क्वेटा में मुलजिमान की कार पर फायरिंग। सुई सदरन गैस कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर मुनीर अहमद लहड़ी जहां बहक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पिशावर में रिंग रोड कबूतर चौक पर फायरिंग से ट्रैफिक एहलकार जहां बहक। एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाप्त। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 का रिकॉर्ड जुलाई के आखिरी हफ्ते तक पेश करने की मोहलत। इस्लामाबाद की इलेक्शन पिटिशंस जल्द समाप्त के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तें मंजूर। मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर समाप्त 8 जुलाई को होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस की समाप्त कल 11 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशस्तें अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात तलब कर ली। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। दुशंबे में सदर इमाम अली रहमान समेत सियासी क्यादत से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुहायदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 7 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुज़वी इस्तिस्ना दे दिया। 6 जजेस ने हक में और 3 ने मुखालफत में फैसला दिया।